weddings are supposed to be fun. There's music, dancing, and a lot of relatives and friends around. We need to look the best in order to make it a memorable event. But with our busy work life, we never get enough time in order to be wedding ready. On Dazzler Eterna Love Yourself, we understand the importance of your family weddings and provide the perfect style solutions. Every episode will showcase a stylist, a makeup artist, and a photographer. Today on Love Yourself, a doctor has taken out time for her makeover. Let's hear from Upasana Jain what she's expecting. Hi, my name is Upasana Jain. I'm 24 years old and I'm a doctor by profession. Basically, I'm a physiotherapist. मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ तो आई हार्डली गेट एनी टाइम फॉर मी कि मैं अच्छे से खुद को रेडी कर पाऊँ और जिस जगह मैं जाती हूँ तो वहाँ पे यू कांट ओवर हाइप और ओवर प्ले विद योर पर्सनैलिटी और पीपल विल स्टेयर एट यू लाइक एनीथिंग तो आई नीड अ मेकओवर बिकॉज मेरे भाई की शादी है घर पे तो आई रियली वॉन्ट कि मैं बहुत ही अच्छी दिखूँ ताकि सबकी नज़रें सिर्फ मुझ पर हो एंड दे ऑल शुड से कि हाँ यू आर द वन हु इज लुकिंग बेस्ट अमंगस्ट ऑल. Hi Upasana. Hi Akriti. How are you? I'm good. You? How are you? Well, I'm very good and I'm more happy to see you. Same here. I'm very excited to meet you. अच्छा बताइए Upasana, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे actually भाई की शादी है और मुझे उसकी शादी में सबसे best दिखना है. उसके लिए I know the right person, but आपको उससे पहले एक चीज दिखानी है. Okay. दिखाओ? Yeah, sure, please. चलिए. Well, this is not a normal mirror. Then? ये है लव योरसेल्फ मिरर. ओके, अच्छे से अपने आप को देख लो अभी, क्योंकि अब आपको मिरर जब देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा आपके मेकओवर कंप्लीट होने के बाद. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट लुक ऑफ माइन. ओके Upasana, देन ऑन दैट नोट मैं आपको सबसे पहले भेजूंगी स्टाइलिंग के लिए. ओके, टू आवर स्टाइलिंग एक्सपर्ट गौरव कट्टा. ओके, हाय Upasana. How are you? Hi Gaurav, I'm fine. How are you? All good. Congratulations, आपके ब्रदर की वेडिंग है. Yeah, thank you so much. किस तरह के कलर्स आप जनरली पहनते हैं? मैं मेनली ऐसे डार्क कलर के ही कपड़े पहनती हूँ. तो आई वॉन्ट कि कुछ अब की बार नया एक्सपेरिमेंट करूँ तो कुछ लाइट कलर्स या कुछ अच्छा सा ऐसा ब्राइट कलर्स और समथिंग. मैंने उनको एक इंग्लिश स्कर्ट दिया जिस इंग्लिश स्कर्ट के ऊपर बहुत कम एम्ब्रॉयडरी है. अच्छा, इस स्कर्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये अम्ब्रेला स्कर्ट है. ओके, वेस्ट पे ये टाई होता है और पूरा स्ट्रेट फॉल करता है. ओके, और वेस्ट पे भी ये फिक्स है, मतलब देयर इज नो इलास्टिक. जो इंडियन लहंगे में स्कर्ट में जो होती है वो सब नहीं है. दिस इज कम्प्लीटली वेस्टर्न स्कर्ट एंड विद अ ऑफ शोल्डर ब्लाउज. ये कलर आपके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग बहुत सूटेबल है. इसके साथ में दुपट्टा हमने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो फिर इंडियन लगेगा, फिर आपको कुछ नया नहीं दिखेगा. तो कुछ इस तरह के आउटफिट को आप पहनिए और इसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी कंबाइन कर सकते हैं. कुछ इस तरह के इयररिंग्स आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं. वेरी ब्यूटीफुल. इस गारमेंट को पहनिए. पहनने से पहले आप जाइए साक्षी जी के पास और अपना मेकअप करवाइए. ओके. हेलो Upasana. हेलो मैम, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड. हाँ जी बताओ, किस तरह से मेकअप में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई, डल, मतलब सारा ग्रेस ऐसा लगता ख़त्म ही हो चुका है स्किन से. और अभी मेरे भाई की शादी है तो गौरव सर ने एक बहुत ही अच्छा न्यूड कलर का एक ड्रेस मेरे लिए सेलेक्ट किया है, तो आई वॉन्ट कि आप मेरी उसमें कुछ हेल्प करें. ठीक है, स्किन तो आपकी नो डाउट बहुत ड्राई है, वो दिख रही है, विजिबल है. इनफैक्ट आपको पिगमेंटेशन है लिप्स के पास. हाँ. आपके डार्क सर्कल्स हैं. Upasana के फेस पे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं. उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा अनइवन टोन थी. ओवरऑल जो उनका फेस था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी उनके स्किन. तो मेरे पास Dazzler Eterna की मेकअप रेंज है, वो मैं आप पे अप्लाई करूँगी तो आपका जो मेकअप है वो ग्लोइंग भी रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. Upasana के फेस पे सबसे पहले मैंने अप्लाई करा Itex Dazzler नरिशिंग लोशन ताकि उनके फेस पे मॉइस्चर आ जाए. आप इसको एज अ स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हैं और मेकअप से पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. ओके, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेकअप के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं करता. ओके,
नरिशिंग लोशन के एप्लीकेशन के बाद मैंने उनके फेस पे अप्लाई करा डैसलर एटर्ना परफेक्ट ग्लो प्राइमर। ये आपको हमेशा सिर्फ तब लगाना जब आप मेकअप स्टार्ट करो, ये आपके मेकअप को होल्ड करके रखेगा आपके फेस पे। उपासना की आईज बहुत प्रिटी थी और मैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती थी, पर उनकी आईज थोड़ी सी हिडन की तरफ थी। उपासना, अगर आप अपने इनर कॉर्नर में थोड़ा सा लाइट कलर का शेडो लोगे ना, तो आप पे ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। उन्होंने जो ड्रेस वेयर किया हुआ था उस पे वर्क थोड़ा सा सिल्वर था, इसलिए मैंने उनकी आईज को एक सिल्वर स्मोकी लुक दिया। तो उनके आई मेकअप में मैंने यूज करे कलर्स सिल्वर और ब्लैक, और जो मैंने आई शेडो यूज करी वो थी डैसलर एटर्ना एनचांटे आई शेडो पैलेट। उपासना को मैंने बहुत थिक लाइनर दिया और लाइनर में मैंने यूज करा डैसलर एटर्ना आई लाइनर। उपासना के फेस पे काफी ज्यादा अनइवन टोन थी, तो उनके फेस को ओवरऑल इवन टोन बनाने के लिए मेरे को कंसीलिंग करनी जरूरी थी, इसलिए मैंने यूज करा डैसलर एटर्ना मैजेस्टिक स्टिक। ये जो मेकअप मैजेस्टिक स्टिक है ये कंसीलिंग का भी काम करती है और ये एक फाउंडेशन का भी काम करती है। कंसीलिंग के बाद मैंने उनके ओवरऑल फेस पे लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करा, उसके लिए मैंने यूज करा डैसलर एटर्ना मार्वलस फाउंडेशन। ये एक लिक्विड फाउंडेशन है, फुल कवरेज के साथ है और SPF प्रोडक्ट है, और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है स्किन में, और जब ये इजीली ब्लेंड हो जाता है तो स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से फेस पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आता है। उनके फेस के मेकअप को मैंने लॉक करा डैसलर एटर्ना शेयर ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर से, ताकि उनके मेकअप का स्टे इंक्रीज हो जाए। उपासना के आईज पे मैंने अप्लाई करा डैसलर एटर्ना काजल सुप्रीम। ये एक वाटरप्रूफ काजल है और स्मच फ्री काजल है। उपासना के चीक्स पे मैंने अप्लाई करा आईटेक्स डैसलर ब्लश इन द शेड ऑफ पिंक। उपासना को मैंने बहुत बोल्ड आईज दी थी, इसलिए मैं लिप्स को थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको सॉफ्ट पिंक लिप शेड अप्लाई करा, और लिपस्टिक में मैंने यूज करा डैसलर एटर्ना लॉन्ग स्टे लिप कलर इन द शेड ऑफ सॉफ्ट पिंक। उपासना के नेल्स पे मैंने अप्लाई करा डैसलर इटर्ना नेल ग्लिटर इन द शेड ऑफ सिल्वर, क्योंकि मैंने उनको सिल्वर आई मेकअप दिया था तो सिल्वर नेल पेंट उनके ओवरऑल लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। उपासना के बहुत ब्यूटीफुल फ्रंट से फ्रिंजेस कट हो रखे थे और उनको एक ग्लैमरस लुक भी चाहिए था, इसलिए मैंने उनको सेंटर से थोड़ा सा पफ देके और उनके ओवरऑल हेयर में हाफ कर्ल्स किए। Doctor, how are you feeling? Very nervous and excited at the same time. Nervous और excited एक साथ? Yeah. आपको लग रहा है कि भैया की शादी के लिए अच्छे से ready हुए हो? Hope for the best. Okay. तो आपकी hopes को हम थोड़ा reality में बदलते हैं. Okay. And let me show you your makeover look. Upasna. Yeah. Now open your eyes. Oh my God. आकृति ने मुझे मेरा लुक रिवील करवाया, जिसको देख के मुझे एक बार बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम इस तरीके से शायद रेडी कब हुई थी मुझे आइडिया ही नहीं, और मैं खुद को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं इतने टाइम बाद जाके अब खुद के लिए तैयार हो पाई, मतलब वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी हैप्पी। आई एम ग्लैड डॉक्टर दैट यू आर हैप्पी विद दिस मेकओवर, बट मुझे ये बताइए कि अब भैया की शादी में ऐसे ही जाएंगे ना? सेम। और घर वाले ऐसे देखेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा? दे विल बी वेरी हैप्पी। ओके उपासना, कोई है जो आपसे मिलना चाहता है? कौन? सो लेट मी कॉल द गेस्ट दैट आई हैव हियर टू मीट उपासना। आकृति ने मुझे एक सरप्राइज दिया, वो मेरी सिस्टर को यहाँ पे लेके आई, जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ओह माय गॉड, कैसी लग रही? बहुत अच्छी। In fact, she was very happy जब उसने मुझे इस लुक के अंदर देखा। आई एम श्योर उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं कभी इस लुक के अंदर ऐसे आ पाऊंगी, और आई एम श्योर अगर उसने मेरी तारीफ कर दी तो मैं डेफिनेटली अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो मेरी तारीफ इजीली करती नहीं है। She is looking damn beautiful. It's the time to make this day all the more special for you. And for that, we are giving you a photo shoot with our photographer Manvendra.
उपासना जब मेरे पास में शूट के लिए आई तब उन्होंने एक पेस्टल ग्रीन कलर का इंडो वेस्टर्न अटायर पहन रखा था और उनका मेकअप जो था वो भी काफी शिमरी ग्लिटरी सा था। उपासना के लुक को देखते हुए मैंने सेटअप ऐसा लगाया जहाँ पे जनरली लोग वेडिंग में जाके अपने पिक्चर्स क्लिक करते हैं। Is looking very beautiful and elegant with her showstopper look. In her new dress, Dr. Upasana is really excited to attend her brother's wedding. Her busy schedule is not a problem anymore as she has made a decision to take a makeover with us. If you too want to see yourself in a trendy avatar, then drop an email on dazzlereternalloveyourself@gmail.com and get your own makeover on Dazzler Eternal Love Yourself with me, your host, Akriti Anand. I will see you next time. Until then, stay classy and remember to love yourself.